जी चड़ी बूटी हरसैन सिंह विच स्वागत है जी। आज जो जानकारी है जी, ये जानकारी है कंठ सुधार बट्टी। कंठ मीच गला इनका खराब रहता है या आवाज़ खराब है या खांसी नहीं हटती या किसी का मुख पक गया हो या व्याकुलता हो या पेट में वायु गैस हो, कफ हो या श्वास के रोग हो, उनको ये शांत करने की बेहतरीन बट्टी है जी। ये महाराज धन्वंतरी की देन है जी। जो कंठ सुधारक बट्टी है ये महाराज धन्वंतरी का नुस्खा है जी। इसमें करना यूं है जी के मलट्ठी का सत लेना है जी, आपने सत तोले मलट्ठी का सत लेना है जी, सत तोले और पिपरामेंट के फूल लेने हैं जी। तीन मासे यानी के 3 ग्राम कफूर है जी, इसमें इलायची है, लौंग है जी, एक एक तोला लेना है जी। और जोवित्री है ये 2 तोला लेनी है जी। इन सभी चीज़ों को कूट पीस कर कपड़ छान कर मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको 1 घंटा खरल करें। जब 1 घंटा खरल हो जाए अच्छे तरीके से, मशीन का सहारा नहीं लेना जी, हाथ से खरल करना है तो इसके रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। और 1 घंटा खरल करने के बाद इसकी एक एक रत्ती की गोलियां बनाएं, गोलियां बना के इसको सुखाएं। 1 से 2 गोली मुंह में रखकर चूसने से जो कंठ की समस्या है, गले की समस्याएं हैं, वो शांत हो जाएंगी, गला साफ हो जाएगा और आवाज़ बढ़िया हो जाएगी जी गले की। जिनका गला बैठा बैठा रहता है या कोई ऐसी जैसे जलेबी वगैरह खाने के बाद पानी पी लिया, आवाज़ बैठ गई और गले में हिचकचाहट है, तो ये महाराज धन्वंतरी की यो देन है समाज को, वो है जी कंठ सुधारक बट्टी। ये मार्केट में भी उपलब्ध है। इसको 2-2 घंटे के बाद 2-2 गोलियां मुंह में रखकर चूसने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है और इससे भूख भी बढ़ती है जी और रुचि भी पैदा होती है और पेट का जो वायु है, पेट की गैस है, वो भी इससे शांत होती है और ये कफ को सहज तरीके से निकाल देती है जी। इसमें जो बत्री है, लौंग है, इलायची है, कपूर है, मलट्ठी सत है और ये श्वास के रोग में भी कुछ हद तक फायदा करती है जी। और ये गले को, कहने का मतलब ये है जी, ये गले को साफ रखती है और आवाज़ बढ़िया कोल के जैसी रखती है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मार्केट में उपलब्ध है, सभी कंपनियां इसको बनाती हैं, पर यदि आप खुद भी इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बाजारी गोलियों से बेहतर है कि आप अपनी यदि खुद की बनाओगे तो आपको इसके जो रिजल्ट हैं वो बेहतर मिलेंगे और हर अन्य जन को इसके लाभ प्राप्त होंगे। जैसे कोई गाने वाला है या मंदिरों में, गुरुद्वारों में भजन वगैरह करते हैं, वो इस गोली को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो कंठ है, गला है, वो साफ रहेगा जी। और गुरुद्वारों में जो ग्रंथी सिंह हैं, पाठ करते समय गला बैठ जाए या सर्दी लगने से गला बैठ जाए तो इस गोली को मुंह में रखकर चूसें और 2-2 घंटे के बाद, यदि ज़्यादा समस्या है तो 2-2 घंटे के बाद भी
दो गोलियां चूस सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। ये सिंपल सी औषधि है, पर इसका जो रिजल्ट है वो लाजवाब है जी। ठीक है जी, ये कंठ सुधार भट्टी की जानकारी थी जो महाराज धनवंतरी के द्वारा समाज को दी हुई एक बहुत बहुमूल्य दात है। इसको समझने की कोशिश करें और अंग्रेजी गोलियों से छुटकारा करें, एलोपैथी से दूरी बनाकर रखें थोड़ी सी, आयुर्वेद में थोड़ा घुसने की कोशिश करें तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, खुशहाल बनेगी और आप तंदुरुस्ती वाला जो जीवन है इसको बढ़िया तरीके से बसर कर पाओगे जी। ठीक है जी, ये गले के रोग की बेहतरीन औषधि है भट्टी है, कंठ सुधार भट्टी। ठीक है जी, यदि किसी वीर को हमारी जानकारी पसंद ना आए तो भाई ना सुने, जिसको पसंद आए इसको एक्सपेक्ट करें, इसको खुद बनाने की कोशिश करें, फिर देखें जी आयुर्वेद के चमत्कार। ठीक है जी, ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ खिमें दे जाचकां जी, सत श्री अकाल।